दोस्तों भारत में बायजूस एक मिरेकल स्टोरी जैसा है। एक समय था जब कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन बायजूस ने आकर गेम ही पलट दी और खुद को इंडियन स्टार्टअप्स में शामिल कर लिया जो आज यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न यानी वो कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या फिर 75 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन बायजूस के बारे में हाल ही में कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। इन खुलासों को करने वाले कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने बायजूस के महंगे महंगे कोर्सेस खरीदे थे, तो साथ ही कुछ बायजूस के ऐसे सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हैं जिन्होंने वो कोर्सेस इस तरह से उन पेरेंट्स को बेचे थे, जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बायजूस ऐप एक बड़ा स्कैम है। क्या है इस बात की पूरी सच्चाई, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दोबारा ना भूलें। बायजूस जो आज करीब 1,23,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। बायजूस का ऐप डाउनलोड करने पर आपको कुछ कोर्सेज फ्री में 2 हफ्तों तक ट्राई करने को मिलते हैं। इन 2 हफ्तों में अगर आपको लगता है कि ये कोर्सेज आपको आपके स्कूल या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो आप बायजूस का एक पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और फिर न सिर्फ आपको उन कोर्सेज की वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, बल्कि आप असाइनमेंट से लेकर क्विज भी वहां सॉल्व कर सकते हैं। बायजूस इसी तरह से खुद को दुनिया के सामने दिखाता आया है, जिस वजह से उसे मार्क जकरबर्ग से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा और साथ मिला है। लेकिन हम जरा इसे डिटेल में देखते हैं कि असल में बायजूस क्या करता है। जब आप बायजूस का फ्री ट्रायल लेते हैं तो कुछ दिन बाद बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आपको फोन करते हैं। ज्यादातर केसेस में वो आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए कहते हैं। जब भी कोई पेरेंट्स या बच्चा बायजूस के एग्जीक्यूटिव के साथ बैठ जाता है तो यहाँ से बायजूस अपना चाल बुनना शुरू करता है। पेरेंट्स को कभी नहीं बताया जाता कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है। पेरेंट्स के मुताबिक तो ये लोग एजुकेशनल काउंसलर्स हैं। अभी तक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। ये सेल्स एग्जीक्यूटिव्स अब पेरेंट्स के सामने बच्चे से बात करना शुरू करेगा और फिर बच्चे से सब सवाल पूछेगा कि उसे जिंदगी में क्या बनना है, क्यों बनना है और क्या वो उसके बारे में सीरियस है। ये एक पहले से तय की गई स्क्रिप्ट के मुताबिक बोला जाता है। मान लीजिए किसी ने बच्चे ने बोल दिया कि उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो समझिए बायजूस को अपना शिकार मिल जाता है। इसके बाद बायजूस उस बच्चे को एक टेस्ट देता है जो उसे 3 से 4 मिनट में सॉल्व करना होता है। ये सवाल काफी आसान होते हैं जिन्हें वो बच्चा आसानी से सॉल्व कर देता है। अब शुरू होता है असली खेल। बायजूस ये बात जानता है कि कोर्स बेचने से ज्यादा आसान डर बेचना है, इसलिए वो अभी भी कोर्स की बात नहीं करते, बल्कि वो उस बच्चे को अब एक और टेस्ट देते हैं जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस वो होते हैं जो वो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि शायद वो उसके सिलेबस में ही ना हो। इस टेस्ट में फेल होने के बाद ये सेल्स एग्जीक्यूटिव उस बच्चे के पेरेंट्स को कहते हैं कि देखिए आपके बच्चे में पोटेंशियल तो है, जिस वजह से उसने पहला टेस्ट सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी इस हीरे को तराशने की जरूरत है और अगर अभी से इस पर ध्यान ना दिया गया तो ये बच्चा आगे जाकर और कमजोर पड़ सकता है, इसके मार्क्स गिर सकते हैं और ये आगे जाकर फेल भी हो जाए। साइंस वालों को यह डर दिखाया जाता है कि कहीं इस बच्चे को आगे जाकर आर्ट या कॉमर्स ना लेनी पड़े और फिर कैसे ये बच्चा इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ पाएगा। इतना डर इंडियन पेरेंट्स को परेशान करने के लिए काफी है, इसीलिए पेरेंट्स उसी तरह इन एग्जीक्यूटिव के सामने हाथ जोड़कर किसी बाबा की तरह इस समस्या का समाधान मांगने लगते हैं। और यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव इनसे कहता है कि आप चाहें तो बायजूस का ये कोर्स खरीद सकते हैं जो आपके बच्चे को अच्छे से ट्रेन करेगा और वर्ल्ड क्लास टीचर्स का एक्सेस देगा। इन कोर्सेज की कीमत हजारों और कभी कभी तो लाखों में भी होती है, लेकिन पेरेंट्स का डर उन्हें अंधा कर देता है। जिन पेरेंट्स के पास एक साथ ही इतने पैसे देने के लिए नहीं होते, उन्हें बायजूस लोन लेकर ये कोर्सेज लेने की सलाह देता है। इनके पास EMI तक के ऑप्शंस भी हैं। ये सब देखकर पेरेंट्स ये कोर्सेज खरीद लेते हैं और खुद दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए इस लोन को चुकाने में लग जाते हैं। इन कोर्सेज को आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इंटरनेट पर फ्री में ना मिले, लेकिन इस तरह से पेरेंट्स को डराया जाता है कि उन्हें ये कोर्स खरीदना ही पड़ता है और बायजूस नोट छापता रहता है। बायजूस ने धीरे धीरे दुनिया के कई सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को खरीदना शुरू कर दिया है और वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। बायजूस के पास आज आकाश इंस्टीट्यूट भी है और वो पेरेंट्स पर ये दबाव बनाते हैं
कि वो अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए वहीं भेजें। बायजूस आज व्हाइट हैट जूनियर का भी मालिक है, जो 6 साल के बच्चों और उनके माँ बाप को वही सपने दिखा रहे हैं कि वो कुछ ही महीनों में कोडिंग सीखकर गूगल जैसी कंपनीज में जॉब पाने लायक बन जाएंगे। इसके लिए वो कई ऐसे बच्चों का उदाहरण भी देते हैं जो ऐसा कर चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर स्टोरीज फेक ही होती हैं जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। बायजूस का कहना है कि कोई भी चाहे तो कोर्सेज खरीदने के 14 दिन तक अपना पूरा पैसा रिफंड के तौर पर ले सकता है, लेकिन कई पेरेंट्स ने कहा है कि उन्हें उनका रिफंड लेने में कई तरह की दिक्कतें आई हैं। उन्हें या तो रिफंड लेट मिलता है या मिलता ही नहीं। EMI पर कोर्सेज खरीदने वाले लोगों को भी बायजूस की टीम लेट पेमेंट हो जाने पर दिन भर में 18 से 20 कॉल्स कर देती है, और कई बार तो उनके साथ बुरी तरह से भी पेश आती है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है बायजूस एक अच्छी कंपनी हो और उनकी सेल्स टीम जानबूझकर ऐसा करती हो ताकि उन्हें ज्यादा कोर्सेज बेचने पर बोनस मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। बायजूस में काम कर चुके कई एम्प्लॉयज मानते हैं कि उन्हें ये झूठ इसलिए बोलने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। साथ ही इन्हें हर हफ्ते 2 लाख रुपए की सेल्स के टारगेट दिए जाते हैं। ये टारगेट पूरे ना होने पर एम्प्लॉयज की नौकरी जाने का खतरा तो रहता ही है, और साथ ही में बायजूस के मैनेजर भी इनसे अच्छे से पेश नहीं आते, और कई बार तो बात गाली गलौच तक भी पहुंच जाती है। बायजूस की सेल्स टीम को हमेशा प्रेशर में रखा जाता है, और कई बार तो ये लोग 12-12 घंटों तक भी काम कर रहे होते हैं। व्हाइट हैट जूनियर को लेकर प्रदीप पूनिया नाम के एक एक्टिविस्ट ने आवाज भी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इस कंपनी के पास तो 1000-करोड़ रुपए हैं, इसीलिए उन्होंने पूनिया को चुप कराने के लिए भी कई टैक्टिक्स अपनाए। उनके 2 YouTube अकाउंट्स बंद हो गए, उनकी 16 वीडियोस को हटा दिया गया और एक ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर एक 20 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, और ऐसा ही इस कंपनी ने कई और लोगों के साथ किया। इन कंपनीज के पास तो महंगे से महंगे लॉयर्स हायर करने के पैसे रहते हैं, और ये जानते हुए भी कि वो केस शायद ही ना जीत पाए, वो इस तरह के टैक्टिक्स से लोगों को चुप करवाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि जिन लोगों पर ये केस होता है उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि अगर गलती से भी ये कंपनी और इसके चालाक लॉयर से केस जीत जाएंगे तो उन्हें या तो इतना पैसा भरना पड़ेगा जो उनके पास नहीं है, या फिर जेल जाना पड़ेगा। खैर, अच्छी बात यह है कि प्रदीप पूनिया वाला केस व्हाइट हैट जूनियर ने खुद ही वापस ले लिया, क्योंकि मीडिया में उनकी काफी बदनामी हो चुकी थी। लेकिन एक कंपनी का हिस्सा तक जाना ही आपको दिखाता है कि वो अपने बिजनेस और अपनी सेल्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को ऐसे बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं लाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।